Hello students, how are you? Here Shilpi Saini from Suraj School Bhiwadi, PGT English. Today we will continue the same lesson, that is Madam Rides the Bus by Vallikarnan, and this is a part third of this lesson. I mean third lecture of this lesson. We have to start from this very paragraph. Clear? There is nobody here whose child, she said haughtily. I have paid mine 30 paise like everyone else. तो जो मतलब कि वहाँ पर वो जो है पूछता है कि यहाँ पर ये किसका बच्चा है, यहाँ पर तो कोई नहीं दिख रहा, तो वो कहती है कि मैंने जो है अपने 30 पैसे पे किए हैं. ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच देम एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शंस. अब ये कह रहे ट्रीज जो है उनकी तरफ मतलब जब बस जाती है तो ट्री अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हुए दिखते हैं, तो वो और जब बस रुकती है तो वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं. स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन अदर डायरेक्शन. ठीक है, तो वो इन सारी चीज़ों को भी देख रही थी और इन्जॉय कर रही थी किस तरीके से बस चल रही है और किस तरीके से ट्रीज जो है अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, भाग रहे हैं. द बस इज स्लोड टू अ क्रॉल एंड द ड्राइवर साउंडेड इज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन. और जब बस स्लो होती है, स्लोड क्रॉल होती है, धीरे धीरे चलना शुरू होती है, तो ड्राइवर अपना साउंड बजाते हैं, साउंड करते हैं, और फिर उसके बाद जो है दोबारा जो है लाउड तरीके से उसमें बार बार प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं साउंड को. बट द मोर ही हॉन्क्ड द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम एंड द फास्टर इट गैलोप्ड ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस. लेकिन वो जितना ज़्यादा मतलब कि जोरदार तरीके से आवाज़ निकालते हैं और उतना ज़्यादा जो है एनिमल्स जो होते हैं वो फ्राइटेंड हो जाते हैं, डर जाते हैं, और वो तेज़ चलने लग जाते हैं. गैलोप्ड मीन्स प्रोसीड एंड एट ग्रेट स्पीड, और वो तेजी से चलने लगते हैं और हमेशा अक्सर बस के सामने आ जाते हैं डर करके. सम हाउ दिस वॉज वेरी फनी टू वाली. लेकिन वाली इन सब चीज़ों को बहुत इंजॉय कर रही थी. शी लव्ड एंड लव्ड अनटिल देयर वर टीयर्स इन हर आइज. और वो जो है काफ़ी देर तक जो है हंसती रहती है और वो बहुत जोर जोर से इस बात पर हंसती है जब तक कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आ जाते हैं. हे लेडी हैवंट यू लव्ड इनफ कॉल्ड द कंडक्टर, बेटर सेव सम फॉर टुमारो. और फिर उसके बाद जो है क्या होता है, जब वो बहुत जोर जोर से हंसती है तो वो उसको कंडक्टर कहते हैं, हे लेडी हैवंट यू लॉक्ड इनफ, कि क्या तुम बहुत ज़्यादा नहीं हंस रही हो, कंडक्टर से कहते हैं. ठीक है, बेटर सेव सम फॉर टुमारो, कि अगले दिन के लिए भी कुछ हंसी रख लो, मतलब अगले दिन भी कुछ हंस लेना, आज ही सारी हंसी थोड़ी पूरी करोगे. एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग. और फिर उसके बाद जो है एक काउ रहती है वो रोड पर मूव करती है. ठीक है, और जो है जल्दी ही एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, और जल्दी ही बस जो है ना रेल रोड क्रॉसिंग के पास आ जाती है. अ स्पैक, स्पैक हियर मीन्स अ टीनी स्पॉट, छोटे छोटे स्पॉट. तो अ स्पैक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर. तो इस तरीके से इस ट्रेन का एक स्पॉट जो है वो देखा जा सकता है दूरी से ही, जैसे जैसे हम उसके पास जाते हैं वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लग जाता है, यानी कि दिखने क्लियर दिखने लग जाता है स्पष्ट तरीके से. देन इट रश्ड पास द क्रॉसिंग गेट विद अ ट्रिमेंडियस रोर एंड रैटल स्केट शेकिंग द बस. देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन. तब क्या होता है कि देन इट रश्ड पास द क्रॉसिंग गेट, फिर ये क्रॉसिंग गेट के पास चली जाती है. ट्रिमेंडियस मीन्स वेरी ग्रेट इन अमाउंट, यानी कि बहुत ज़्यादा, और बहुत तेज़ आवाज़ के साथ, रोर रैटल साउंड के साथ बस हिलते हुए वहाँ पर पहुँचती है. देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन, और वहाँ से जाते हुए बस ट्रेन स्टेशन को क्रॉस करती है. फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग एंटर्ड अ वाइडर थ्रू आउट फेयर. फिर इसके बाद देखिए फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स, ट्रेवर्स मीन्स ट्रेवल अक्रॉस और थ्रू, यानी कि पार करना. फिर उसके बाद ये वहाँ से पार करती है बिजी वेल लेड शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग एंटर्ड अ वाइडर थ्रू आउट फेयर. एक फेयर होता है और एक शॉपिंग स्ट्रीट होती है, वहाँ पर उस तरीके से काफ़ी सारी शॉप्स है, स्ट्रीट्स है, फेयर है, इन सब चीज़ों के बीच में वो पहुँच जाते हैं. बिजी पब्लिक रोड जिसे हम कह सकते हैं, हियर यू कैन सी इट इज़ बिजी पब्लिक रोड. क्लियर? सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, वॉट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज और ऑफ क्लॉथ्स एंड अदर मर्चेंडाइज, सच बिग क्राउड्स. अभी कह रही काफ़ी बड़ी मतलब शॉप्स थी, चमकदार डिस्प्ले था कपड़ों का, मर्चेंडाइज मैंने बिकने के लिए सामान था. हियर यू कैन सी थिंग्स फॉर सेल. ठीक है ना, तो वहाँ पर चीज़ें भी थी बिकने के लिए, काफ़ी मतलब कि भीड़ थी और बहुत ही अच्छा सीन था, बहुत ही अट्रैक्टिव सीन था, टेम्पटिंग था. स्ट्रक डम, स्ट्रक डम सो
स्ट्रक डम हियर मीन्स सो शॉक्ड और सरप्राइज दैट वन कैन नॉट स्पीक. वो इन सब चीज़ों को देख के बहुत खुश हो जाती है और सरप्राइज होती है. ठीक है. विद वंडर वाली गैप्ड, गैप्ड मीन्स लुक्ड विद आईज वाइड ओपन, यानी कि वो बड़ी बड़ी अपनी आंखों से खुले खुले वो चीज़ों को देखती रह जाती है सरप्राइज के साथ, शॉक्ड हो जाती है. देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वाली, और जब बस रुकती है तो हर कोई, गॉट ऑफ मीन्स बस से उतरना, तो हर कोई जो है बस से उतरने लग जाता है, लेकिन वाली को छोड़ करके, एक्सेप्ट मीन्स अलावा, वाली के अलावा सब कोई बस से उतर जाता है. हे लेडी सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गो गेट ऑफ, दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू. कहते हैं कंडक्टर कि आप नहीं उतरोगे क्या लेडी, आप उतर जाओ अब, क्योंकि आपने 30 पैसे दिए थे तो यहाँ तक ही है, तो अब इसके बाद आपका जो है कंप्लीट होती है जर्नी, आप उतर जाओ. नो वाली सेड आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस. शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, और उसने बोला कि नहीं मैं इसी बस में घर जाऊंगी और ये लीजिए अपने 30 पैसे, और वो अपने पॉकेट से पैसे निकाल करके कंडक्टर को दे देती है. Why is something the matter? No, nothing's the matter. I just felt like having a bus ride, that is all. वो कहता है कंडक्टर की क्यों क्या बात है, तो वो कहती है कि नहीं कोई बात नहीं है, बस मेरे को बस राइड करनी थी इसलिए बस, दैट्स ऑल. डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हेयर. फिर कंडक्टर उसे कहता है क्या तुम यहाँ आई हो तो यहाँ के बाहर के सीन को देखना पसंद नहीं करोगी, क्योंकि तुम यहाँ तक आई हो तो तुम्हें यहाँ बाहर जा करके देखना चाहिए क्या है क्या नहीं. द सीन इज़ वेरी अट्रैक्टिव एज यू कैन सी, यू मस्ट गो आउटसाइड, द कंडक्टर इज सेइंग. ऑल बाय माई सेल्फ, ओह आई वुड बी मच टू अफ्रेड, ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग द कंडक्टर सेड, बट यू वर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस. फिर ये कहती है कि मैं, मेरी मर्जी है, ठीक है. और फिर वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा, मतलब इन सब चीज़ों से मुझे नहीं पसंद है, डर लगता है, और मैं इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा अम्यूज्ड हूँ, खुश हूँ. ठीक है ना. अम्यूज्ड हियर मीन्स फाइंडिंग समथिंग फनी और एंटरटेनिंग. अम्यूज्ड हियर मीन्स फाइंडिंग समथिंग फनी और एंटरटेनिंग. तो मैं बहुत ज़्यादा एंटरटेन हूँ, बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ. बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, और जिस तरीके से वो लड़की बोली तो कंडक्टर ने उस पर जवाब दिया, बट यू, लेकिन तुम्हें तो यहाँ आने से डर नहीं लगा, तुम तो यहाँ पर आ गई, तुम्हें इस चीज़ से तो डर लगा ही नहीं. Nothing to be afraid of about that, she answered. Well then, why not go to that stall over there and have something to drink? Nothing to be afraid of about that either. फिर वो कहते हैं कि nothing, कि डरने जैसा कुछ भी नहीं है. ये आंसर देती है वाली. Well then, why not go to that stall over there? तो फिर वो पूछता है कि तुम यहाँ पे stall पे क्यों नहीं जा रही हो, चीज़ों को क्यों नहीं enjoy कर रही हो, कुछ ले लो. नथिंग, कुछ भी डरने जैसा यहाँ पर नहीं है, तुम क्यों, मतलब नहीं उतर रही हो बस से. ओ नो आई कुड नॉट डू दैट. वेल 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 देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक. नो आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट्स, दैट इज़ ऑल. फिर वो कहता है कि ठीक है कोई नहीं, मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक ला के दे देता हूँ, कंडक्टर कहता है. तो वो कहती है नहीं, मेरे पास जो है ना मनी नहीं है, मैंने जो तुम्हें दिए हैं पैसे तुम मुझे उसकी टिकट ला के दे दो, टिकट दे दो, मतलब जो भी है. I will be my treat and not cost you anything. No, no, she said firmly, please no. फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी तरफ से ट्रीट देता हूँ और तुमसे उसके पैसे नहीं लूँगा. तो वाली उस चीज़ के लिए भी मना कर देती है. The conductor shrugged, raised one's shoulder. Shrug means here raised one's shoulder. अपने शोल्जर को उचकाते हुए वो कहता है slightly and mentally to accept. टू एक्सप्रेस डाउट, इग्नोरेंस और इंडिफरेंस. वो अपना मतलब कि कंधा उचकाते हुए ऐसे ही बोलता है जैसे कोई डाउट हो उसे. एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज द टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी. और वो लोग तब तक इंतज़ार करते हैं जब तक कि बस की रिटर्न जर्नी शुरू नहीं हो जाती है. अगेन देयर वर नॉट मेनी पैसेंजर्स, वोंट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क व्हेन ही गेव द गर्ल फॉर हर टिकट. नो नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड. और फिर उसके बाद है वो कहती है कि जो है पैसेंजर्स चढ़ना शुरू होते तो वो बहुत कम रहते हैं. फिर उसके बाद कंडक्टर उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी मदर जो है तुम्हारा वेट नहीं कर रही होंगी. तो इसके ऊपर वो गर्ल कहती है, जब वो गर्ल को टिकट देते हुए ये बात पूछता है तो वो कहती है नो नो वन विल बी, नहीं मेरा कोई इंतज़ार नहीं कर रहा होगा. द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सम वंडरफुल साइट्स. वली इट वॉज नॉट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरी थिंग विद द सेम एक्साइटमेंट शी वुड फेल्ट शी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम.
और बस शुरू हो जाती है दोबारा, और फिर उसके बाद सारे सुंदर और ब्यूटीफुल सीन उसके सामने आने लगते हैं। वाली बोर भी नहीं होती इन सब चीज़ों से थोड़ा सा भी, और वो इन्जॉय करती है, और वही एक्साइटमेंट के साथ वो इन सब चीज़ों को इन्जॉय करना शुरू करती है जो उसने फर्स्ट टाइम में एक्साइटमेंट देखी थी, मतलब फर्स्ट टाइम पर जो उसने ट्रेवल किया था उसमें जो वो एक्साइटमेंट थी वही इसको इस बार भी मिलती है। बट सडनली शी सा अ यंग काउ लेइंग डेड बाय द रोड साइड जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। इज नॉट दैट द सेम काउ दैट रन इन फ्रंट ऑफ द बस ऑन आवर ट्रिप टू टाउन, शी आस्क द कंडक्टर। फिर उसके बाद क्या होता है, सडनली शी सा अ काउ, अचानक से वो जो है वो काउ देखती है, ठीक है, और वो काऊ जो है वो उसके ऊपर रोड के ऊपर जैसे डेड रहती है, गिरी हुई रहती है, ठीक है ना। जस्ट जहाँ पर उसने भीड़ भाड़ देखी थी, भीड़ भाड़ का माहौल था, वहीं पर वो काऊ उसको डेड गिरी हुई मिलती है, ठीक है। और फिर वो पूछती है क्या ये वही काऊ नहीं है जो रन दौड़ रही थी उस समय भीड़ वाली जगह पर जहाँ पर बस हॉर्न दे रही थी और एनिमल्स दौड़ रहे थे। तो फिर उसके बाद क्या होता है, ये बात वो कंडक्टर से पूछती है। The conductor nodded and she was overcome with sadness. Conductor अपनी गर्दन हिलाता है positively, yes में, और वो बहुत दुखी हो जाती है। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charms and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread, fixed stars in its lifeless eyes, blood all over. अब वो बहुत दुखी हो जाती है इन सब चीज़ों से, जो भी उसके साथ ये जो है जो भी चीज़ें वो देख रही है इनसे बहुत दुखी हो जाती है, और कहती है कितनी लवेबल, कितनी सुंदर क्रिएचर थी, कितना अच्छा था, कुछ समय पहले ये लाइफ जी रही थी, लाइफ इसके लिए फुल ऑफ चार्म थी, और अब ये काफ़ी हॉरेबल दिख रही है, काफ़ी फ्राइटनिंग दिख रही है, और इसके चारों मतलब पैर पूरे तरीके से फैले हुए हैं, और अब ये जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब कि डरावनी हो चुकी है, डेड हो चुकी है, और इस तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में सोचने लगती है और चारों तरफ ब्लड फैला हुआ रहता है। द बस मूव्ड ऑन, द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर डैपनिंग हर एंथुजियाज्म। डैपनिंग हियर मीन्स मेक लेस स्ट्रॉन्ग और इंटेंस, यानी कि इसको थोड़ा सा मतलब कि जो भी उसका एंथुजियाज्म था, एंथुजियाज्म मीन्स एक्साइटमेंट, खुशी, उत्साह, जो भी उत्साह था वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? डैपनिंग मीन्स मेक लेस स्ट्रॉन्ग और इंटेंस, वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि उसके दिमाग में ना ये मेमोरी रह जाती है उस डेड बस की, कि जो है उसके साथ जो भी ये मिस हैपनिंग हुई है, ठीक है, जो भी मिस हैपनिंग हुई है वो चीज़ें उसके माइंड में रह जाती हैं, क्लियर। फिर क्या होता है, वो उन सब चीज़ों से काफ़ी परेशान हो जाती है। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो, शी सेट दस ग्लूड टू हर सीट अंटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40। अब क्या होता है कि शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो, वो जो है विंडो के बाहर नहीं देखना चाहती, वो काफ़ी परेशान है, फ्रस्ट्रेट है, डिस्टर्ब है इन सब चीज़ों से, जो भी चीज़ें उसके साथ हो रही हैं विलेज में, और वो विलेज अपनी पहुँच जाती है 3:40 पे। She stood up and stretched herself. Then she turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope to see you again." She stood up and stretched herself. वो जो है खड़ी होती है और अपने आप को स्ट्रेच करती है, मतलब परेशान रहती है। Then she turned to the conductor and said, फिर वो कंडक्टर की तरफ टर्न होती है और कहती है, "Well, sir, I hope to see you again." कि मैं तुम्हें जो है दोबारा देखना चाहती हूँ। Okay, madam, he answered her. Smiling whenever you feel like a bus ride, come and join us and don't forget to bring your fare. अब उसके बाद कंडक्टर उसे कहता है, बिल्कुल बेशक आप यहाँ पर जब चाहो तब आ सकते हो, लेकिन अपना किराया लाना मत भूलना। She laughed and jumped down from the bus. Then away she went running straight for home. When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wally's aunts, the one from South Street. ओके, शी लव्ड एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस, वह हंसती है और जो है वो बस से जंप करके नीचे उतर जाती है। देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, और फिर वो सीधे घर की तरफ चली जाती है। व्हेन शी एंटर्ड हर हाउस, शी फाउंड हर मदर अवेक एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वालीज आंट्स, द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट्स। और फिर उसके बाद जब वो घर पहुँचती है, देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट, अपने घर की ओर जब वो दौड़ जाती है, और जब वो अपने घर में घुसती है तो देखती है कि उसकी माँ जाग चुकी है और एक आंटी से बात कर रही है, जो कि साउथ स्ट्रीट, द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, साउथ साइड की स्ट्रीट से एक आंटी हैं, मतलब आप कह सकते हैं नेबर,
उनसे वो बात कर रही होती। दिस आंटी वॉज रियल चैटर बॉक्स, नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग। एंड वेयर हैव यू बीन, सेड हर आंट व्हेन वाली केम इन। और ये वाली कहती है कि ये आंटी बिल्कुल चैटर बॉक्स है और कभी भी अपना मुंह बंद नहीं करती, हमेशा बात करती रहती है। एंड वेयर हैव बीन यू, और पूछती है कि तुम कहाँ थी। और आंटी उससे पूछती है, सेड हर आंट व्हेन वाली केम इन, जब वाली अंदर आती है तो उसकी आंट पूछती है। शी स्पोक वेरी कैजुअली, नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, सो वाली जस्ट स्माइल्ड एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विथ देयर कन्वर्सेशन। तो उसने बहुत कैजुअली पूछा था, सीरियसली नहीं पूछा था, तो इसलिए जो है वो प्रॉपर आंसर नहीं करती और एक स्माइल दे देती है बस, और वो फिर अपने कन्वर्सेशन में उसकी मदर और आंटी जो पड़ोसी हैं उनकी वो बिजी हो जाती है। येस यू आर राइट, हर मदर सेट, सो मैनी थिंग्स इन आवर मिडस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग। और वो लोग अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करती है और कहती है उसकी मदर कि हाँ आप सही कह रहे हो कि हाँ बहुत सी चीज़ें हैं, मिडस्ट मीन्स इन द मिडिल ऑफ, ओके, इस संसार में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, ठीक है। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, कि हम हर चीज़ के बारे में कैसे जान सकते हैं। एंड इवन वेन वी डू नो अबाउट समथिंग, वी ऑफन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली। फिर उसके बाद ये भी है कि एंड इवन वेन वी डू नो अबाउट समथिंग, जब हम किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते, जब हम किसी चीज़ के बारे में जानते हैं और प्रायः हम उसके समझ नहीं सकते हैं इट कम्प्लीटली, हम जानते हैं लेकिन समझ नहीं सकते हैं, क्या हम समझ सकते हैं? तो ये लोग मतलब ऐसे ही अपना कन्वर्सेशन कर रही है कि कोई चीज़ ऐसी है वर्ल्ड में जिनके बारे में हम जानते हैं लेकिन हम उसके बारे में समझ नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते हैं। ओ यस ब्रेथड वाली, वॉट आस्क हर मदर, वॉट इज़ द दैट यू से। वाली उसकी इस बात को सुन करके कहती है हाँ सही बात है। तब इसकी मदर उससे पूछती है कि उसकी मदर फिर पूछती है कि क्या कहा वाली, आपने क्या कहा। उसकी मदर ये बात सुन करके उससे पूछती है। ओह सेड वाली, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विथ वॉट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट अवर नॉलेज। तो वाली कहती है हाँ मैं तो बस आपकी जो बात थी कि हाँ जो चीज़ें हो रही हैं, जो भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में हो रही हैं वो हमारे नॉलेज के बिना हो रही है और हमें उनके बारे में कुछ पता भी नहीं है, तो मैं तो सिर्फ उसी चीज़ के लिए कह रही हूँ कि हाँ, पॉजिटिवली रिस्पॉन्स कर रही हूँ कि हाँ ये सच है कि हमारे इर्द गिर्द जो भी होता है तो हम अगर उसके बारे में जानते हैं तो समझ नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, और देखा जाए तो हम जानते भी नहीं हैं उनके बारे में। जस्ट अ चाइल्ड ऑफ अ गर्ल शी इज़, सेड हर आंट, एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इन टू अवर कन्वर्सेशन जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन लेडी। अभी इसके बाद क्या कहता है वो जो नेबर है वो क्या कहती है, चिट ऑफ अ गर्ल मीन्स डिसमिसिव टर्म फॉर अ गर्ल हु इज इमेच्योर और लुक लैक रिस्पेक्ट, यानी कि इस तरीके का बिहेवियर जो कि इमेच्योर है और उसमें रिस्पेक्ट नहीं है, बड़ों की जो बातें चल रही हैं उसमें वो इंडल्ज हो रही है, इन्वॉल्व हो रही है, तो यहाँ पर ये बात सामने आ रही है, ठीक है। तो वो आंटी कहती है कैसी चिट ऑफ अ गर्ल है ये, किस तरह की लड़की है ये, हमारे बातों में इंटरफेयर कर रही है, ठीक है। और उसकी आंट कहती है येट लुक, और देखो ये किस तरीके से, पोक हर नोज मीन्स टेक्स एन इंटरेस्ट, पोक हर नोज मीन्स टेक एन इंटरेस्ट इन समथिंग डैट डज नॉट कंसर्न हर, ऐसी बातों में उसका इंटरेस्ट बनाना जो कि उसके कंसर्न की नहीं है। तो वहाँ पर ये कह रही है कि इस तरीके का इंटरेस्ट वो हमारी बातों में कन्वर्सेशन में ले रही है जबकि इसका कोई लेना देना नहीं है, किस तरह की है ये, और जिस तरह से ऐसे ट्रीट कर रही है जैसे वो कोई ग्रोन अप लेडी हो, तो एक ग्रोन अप लेडी की तरह वो हमारी बातों में इंटरेस्ट ले रही है, दैट इज़ नॉट गुड अकॉर्डिंग टू द नेबर आंटी, जो पड़ोस की आंटी वो कह रही है। वाली स्माइल टू हरसेल्फ, शी डिड नॉट वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, बट देन देयर वॉज नॉट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर। फिर उसके बाद वो स्माइल करती है, वो उनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, और वो जो है इंटरेस्ट नहीं दिखाती उसकी बातों में। फिर उसके बाद जो है वो समझते हुए मतलब सारी चीज़ों को वो इग्नोर करते हुए आगे चल जाती है और उन सब चीज़ों में वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहती है, वो उनको एक्सप्लेन नहीं करना चाहती कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। क्लियर, दिस इज़ योर चैप्टर विच वी हैव कम्प्लीटेड टूडे। ओके क्लास, यू विल बी गिवन सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ दिस लेसन एंड यू हैव टू राइट डाउन द कम्प्लीट समरी एज यू नो, ओके, एंड राइट डाउन द एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑल्सो। Okay, thank you. Have a nice day. If you have any doubt, you can contact me. Okay?